हेलो वेलकम गाइस, एक बार फिर हम आपके सामने लेकर आए हैं गॉड वॉर 4 का नया भाग हिंदी में। जी हाँ, पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और जाकर वहां से देख सकते हैं। अब हम यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए नीला दरवाजा, इसे हमने बनाया। मैंने सोचा नहीं था कि मैं रोशनी पर चलूंगा। दरवाजा, इसमें कोई जोड़ नहीं है। क्या? ये एक समस्या है। मुझे नहीं लगता हमें यहां होना चाहिए था। शांत, आपने सुना? मेरे साथ रहो और चौकन्ने रहो। अरे जब हम इसे रोशनी में लाते हैं तो हम इसे बाइफ्रॉस्ट में कैसे पाते हैं? डायन ने कहा था रोशनी में कदम रखना है। उसने ऐसा कहा? जब वो इस दुनिया से खींच ली गई थी। ओह, मैं उन्हें याद करूंगा। तुम्हारा ध्यान हमारे लक्ष्य से ज्यादा उसकी सुरक्षा पर था। शांत रहो, मैंने उसे पकड़ा है। तुम्हारा चाकू बच्चे। ये करीब था। मेरे साथ रहो बच्चे। आपको कहना नहीं पड़ेगा। आह, बहुत चिपचिपा है। इनाउना। एक और आ गया। पीछे रहो। लक्ष्य के करीब है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। समझ गए? समझ गया। वहां जब वो गिरे तैयार रहना, हमें जल्दी जाना होगा। ठीक है। कूदो बच्चे। ठीक है, बाहर देखिए। ऊपर की ओर चलो। मेरे पीछे रहना और उन पर हमला करना। ठीक है पापा, संभल के पापा। बहुत सारे हैं। तीर चलाते रहो, मैं इस रास्ते से हटा दूँ। ठीक है। इन पर तीरों की बौछार करो। निशाने चूक गए तो? यहाँ कई निशाने हैं, तुम नहीं चूको। वो हर जगह है। रास्ता छोटा है, ये कितने भी हो टिक नहीं पाएंगे। तुम ध्यान दो। हम बस पहुंच गए। हाँ,
बच्चे। क्या तुम्हें चोट लगी है? मैं ठीक हूँ। वाह, बहुत सुंदर है। वो रोशनी पूरे मंदिर को फिर से चमका रही है, यही उसका स्रोत है। रुकिए, वो गा रही है, मैं सुन सकता हूँ। मैंने सुना, वो माँ की आवाज थी। आपको लगता है वो यहाँ है? आ, 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 चोट लग गई। मेरे हाथ में आग सी लग गई। यही रुको, यही। लेकिन मैं आना। रुको, सिर्फ जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना। आपने अपनी कुल्हाड़ी मुझे दी है? सिर्फ पकड़ने के लिए दे रहा हूं, ये कोई तोहफा नहीं है। फिर भी आपको वापस आना होगा, आपने मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया है। अट्रेयस। अकेला इनके साथ। ये हमेशा छोड़कर चले जाते हैं, ये यहाँ कभी नहीं होते। ये मुझे नहीं चाहते और ना ही चाहेंगे। ना मैं इन्हें जानता हूं, ना ये मुझे जानते हैं। जानना चाहते भी नहीं। मैं बहादुर हूं, समझदार हूं। मैं वो नहीं हूं जो ये सोचते हैं, मुझे अच्छी तरह पता है। वो मुझसे बात नहीं करते, मुझे पढ़ाते नहीं। तो उनको जाना चाहिए था, सुना आपने? उनको जाना चाहिए था, आपको नहीं। बस मैं ये दिल से नहीं कह रहा, आपको पता है मैं उनसे प्यार करता हूँ। काश वो बेहतर होते, मुझे पता है वो हो सकते हैं। तो अगर वो कोशिश करते हैं तो मैं भी कोशिश करूँगा, लेकिन अगर वो नहीं करेंगे तो वापस आ जाओ। मुझे पता है कि आप यहीं कहीं हो। रुको, वापस आओ। ओह नहीं, ये क्या किया तुमने? क्यों किया ऐसा? मैंने आपको बचाया, आप वहाँ फंस गए थे। मैंने इंतजार किया लेकिन आप बाहर नहीं आए, इसलिए मैंने आपको बाहर निकाला। बच्चे,
बस कुछ पल। नहीं, आप एक लंबे वक्त के लिए गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मुझे अकेला छोड़ दिया फिर से। आप ख्याल क्यों नहीं रखते? ये नामुमकिन है। उनके आने से पहले हमें जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको वो मिल गया जो आपको चाहिए था। देखिए, निकलने का रास्ता है, लेकिन पुल बनाने के लिए रोशनी नहीं है। हम फंस गए हैं और डायन का धनुष किसी काम का नहीं है। बच्चे, तुम्हारा धनुष पकड़ो इसे। मेरे इशारे पर अपना तीर उस पत्थर में चला। ये काम कर गया। अब हम वापस लौट सकते हैं। चलो। Oh, look. The blue door that's not a door. And a sand bowl. But how do you expect me to reach it? कहाँ जा रहे हैं? किसी पवित्र मंदिर में रहने के बजाय यहाँ से बाहर निकलना ज्यादा सही होगा। जब तुम्हारी राय चाहिए होगी मैं तुमसे मांग लूंगा। अब तुम वहां तक पहुंच सकते हो। हाँ, हाँ।
तैयार रहना तो बताना। इसका क्या मतलब है? देखिए, आकार याद रखना। हाँ मैं जानता हूँ। आगे बढ़ो। सबसे महान आदमी और ना ही सबसे लंबा पेड़। हाँ ये बीज है। फालतू सी पहेलियाँ। तो आखिरकार ये एक दरवाजा है। वाह, सिंह वाला वापस आ गया। अब क्या चाहते हैं ये? मुझे उससे नफरत है। वो वापस लौटेगा। हम यहाँ सच में फिर से नीचे जाने वाले हैं? तुम्हें कोई और रास्ता नजर आता है? नहीं। तो फिर बढ़िया, अब मैं मुश्किल से देख पा रहा हूँ। जितनी रोशनी है उससे काम चला। हम पहले वालों की तरह इन्हें भी मार सकते हैं ना? अगर जरूरत पड़ी तो। Yeah.
Shoot. I know how it works. तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या कहा इसने? कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। हमने गलत पक्ष की मदद की। मैम, मुझे पता है आप ये कहेंगे कि मुझे इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। बस बहुत हुआ, अब हम जा सकते हैं। पहेली का जवाब याद है? हाँ हाँ। बेटा इसे पढ़ो। बेटा वो क्या कह रहा है? जब आपको कुछ जरूरत होती है तब आप मुझसे बात करते हैं। तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझसे तभी बात करते हैं जब आपको मुझसे कुछ काम हो। माँ जिंदा होती तो... अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो हम यहाँ आते ही नहीं। अट्रेयस, छोड़िए। ठीक है। तो क्या वो रोशनी में थी? कौन? आपको पता है कौन? ओ, वो वहां थी ही नहीं। अगर वो होती भी तो आपको क्या फर्क पड़ने वाला था? जबान संभाल के बच्चे, हमारा सफर पूरा होने तक हम में से किसी एक को ध्यान देना होगा। मेरी खामोशी का ये मतलब नहीं कि मुझे दुख नहीं हुआ। तुम चाहे जैसे दुख मनाओ, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। माफ कीजिए, मुझे एहसास नहीं हुआ। नहीं होगा भी क्यों, तुम मेरे तरीके नहीं जानते। मैं जानता हूं सफर आसान नहीं रहा। उस रोशनी में मुझे ऐसे लगा जैसे बस कुछ पल बीते हैं। अगर इससे तुम्हें सुकून मिलता है तो। ये जानकर अच्छा लगा सच में। तो क्या हम अब वापस चले काली सांस का सामना करें, या आपको लगता है इस लोक में देखने के लिए और भी कुछ है? आप युद्ध के बारे में मुझे और क्या बताने वाले हैं? जंग खतरनाक होती है, अलग अलग लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। लड़ाइयाँ शायद अच्छे योद्धा जीत भी जाए, लेकिन जंग सिर्फ वही जीतता है जो अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो।
अरे वापस आ गए आप, देखा कि आप बहुत बिजी हैं। क्या बारीकी नजर है। मुझे बारीकियों पर नजर रखने के लिए ही जाना जाता है। आपको देखकर लग रहा है कि आप सफर में हार का मुंह देखकर लौटे हैं। पापा, मुझे आपसे कुछ बताना है। मेरे दिमाग में वो सारी आवाजें, ये पहली बार नहीं था। जब हम रॉक से मिले थे, उसने मुझे पेड़ों में छिपी किसी चीज के बारे में चेतावनी दी, इसलिए वो पार नहीं करना चाहती थी। उसने बताया तुम्हें? खैर, मैं बस महसूस कर सकता था कि वो क्या महसूस कर रही थी। ऐसा फिर से हो तो मुझे बताना, समझ गए? पक्का। अब क्या? हमारे पास रोशनी है, मिडगार्ड चला। पागलपन है कि सभी लोग एक ही स्थान पर मौजूद हैं, एक के ऊपर एक। ये कमरा हमें बिना कहीं जाए यात्रा करा देता है। दूसरे लोग से लौटे हैं और आपके भाई से मिले। रुको, उस क्रम में नहीं। क्या आपने उस बीज की दुकान को अपने ब्लेड पर हाथ लगाने दिया? आपको पता है उसने अपना टैलेंट खो दिया है। बस एक दिन उसे उठाकर छोड़ दिया, मुझे अपने साथ नीचे ले जाने की कोशिश की। क्या उसने हमारी लड़की को धोखा दिया? इसका बिल्कुल उल्टा। कभी कभी सही जगह टक्कर तो अंधा सुअर भी मार देता है। लेकिन पता है काउंट क्या चीज होती है? कंसिस्टेंसी। तो हम पूरी कंसिस्टेंसी के साथ सर मारते हैं। क्या किया तुमने? जो किया सही किया। मेरे पास एक एहसान के लिए समय है। बिल्कुल, हमें पुल के पार वैनहान तक चलने की जरूरत है। Follow me.
Another marker. आपको लगता है कि मैं उनकी देखभाल कर सकता हूँ? नहीं, मैंने कहा नहीं। ठीक है। क्या लगता है पहाड़ में किसका चेहरा नजर आता है? यह तो तुम मुझसे बेहतर जानते हो। शुक्रिया। अब कदम संभाल के रखना, लापरवाही से और देर हो जाएगी। ठीक है। क्या फिर से काली सांस होगी? अब हम क्या करें? देखते हैं डायन की बात सही थी या नहीं। ये काम कर रहा है, वो सही थी। चलो सफर पूरा करें। आगे का रास्ता बंद है, क्या करें? तो अब हम चढ़ाई करेंगे। आपको पता है, माँ ने कहा था जायंट्स गायब होने से पहले मिडगार्ड पहाड़ों का दौरा करते थे। गायब हो गए? हाँ, मुझे लगता है कि वो बस ऐसे ही एक दिन चले गए। शायद वो अपने घर लौट गए। योनहम, शायद ताजुब है कि पहाड़ में चेहरा किसी खास जायंट को श्रद्धांजलि थी। क्या वो हिरन है? मुझे हिरन के सिर वाले जायंट की कहानियां याद नहीं है। कौन है वो? कोई रास्ता नहीं है, लेकिन रेत का कटोरा है। क्या लिखा है? कोई जुए वाला जानवर नहीं, ना ही भयानक रोमांच, ना ही जड़ वाला पेड़ मेरी पुकार को जानता है। हमें जवाब दो। जमीन देखो। इसका कोई मतलब नहीं है, कुछ तो छूट रहा है।
सोचिए जरा, हो सकता है इसका कोई और रास्ता हो। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। अगर बेल आइकन दबाते हैं तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। धन्यवाद।